हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सो देखिए, आज आपका गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा भी है। आप लोग को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। देखिए, जो भी लोग सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम दे दिए हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो बीएड फर्स्ट ईयर का जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग अब सेकेंड ईयर में लग जाइए और सीटेट के भी तैयारी में लग जाइए। और जो लोग का बीएड कंप्लीट हो गया है, पीजी करना है तो पीजी कर सकते हैं, या आपको एमएड करना है तो एमएड भी कर सकते हैं, समझ गए? क्योंकि एमएड कर लीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज से एमएड हो रहा है तो पहले एमएड कर लीजिए। अब दोनों में डाउट है कि पीजी करें कि एमएड करें, समझ गए? तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज से, बिहार में चार गवर्नमेंट कॉलेज है, पटना में है आपका, भागलपुर में है, सहरसा में है, और फिर आपका तुर्की मुजफ्फरपुर में है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी कम है, तो आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एमएड में हो जाता है तो आप पहले एमएड कर लीजिए, समझ गए? फिर बाद में पीजी तो कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन पीजी आपको, क्योंकि स्टेट का आपको पता है कि प्लस टू का टीचर बनने के लिए पीजी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से, तो पीजी भी कर सकते हैं। एमएड नहीं हो रहा है तो पीजी कर लीजिए, समझ गए? तो सोचें कि आज कुछ आप लोग को बताते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि एमएड कॉलेज का फ़ी कितना है। देखिए, आप उसके साइट पर जाकर पता कर सकते हैं, सब लिखा हुआ है। आप सीटी तुर्की का कर सकते हैं, सबका जितना भी सीटी है उसका तो फ़ी तो सेम ही है। आप पटना या ट्रेनिंग कॉलेज का भी फ़ी बहुत कम है, समझ गए? तो आप लोग पता कर सकते हैं, फ़ी बहुत कम है, इतना कम है स्कॉलरशिप भी मिलता है, समझिए फ्री में आपका कोर्स हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि पीजी भी कीजिएगा तो पीजी में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आपको एमएड वगैरह में, बीएड में, डीएलएड में नहीं मिलता है। आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो लोन मिलता है, 4 लाख तक लोन मिलता है, उसका आपको पीजी में मिल जाएगा, लेकिन एमएड में, बीएड में या डीएलएड में नहीं मिलता है। तो आप लोग पीजी कीजिएगा तो ले सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लेना होगा तो, लेकिन एमएड में नहीं मिलेगा। एमएड में स्कॉलरशिप मिलता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये सब मिलेगा, ये सब ले सकते हैं। इतना मिलता है कि आपका फी उतना में हो जाएगा। तो जो भी लोग एमएड करना चाहते हैं, एक मंथ में आपका, एक मंथ के समथिंग में दो यूनिवर्सिटी का आने वाले हैं एंट्रेंस, जिसमें दोनों में सरकारी कॉलेज है आपका। एक है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और एक है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी। दोनों से कर सकते हैं, आएगा तो आपको अपडेट करवाएंगे, समझ गए? थैंक यू।